सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को सर्च करना है नीट NEET। तो पहला जो वेबसाइट आएगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है या फिर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन इस पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आ जाना है या फिर PDF फाइल है इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लेने के बाद ओपन करना है। अब पेज नंबर नीचे की तरफ आ जाना है, पेज नंबर 92 नीचे की तरफ 92 में आ जाना है आप लोगों को। ये जो बुलेटिन है 2024 में फिर से आएगा तो नया वाला, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को हमेशा जो बुलेटिन है वो करंट साल का 2024 का फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जब वो फॉर्म फिलअप होने के कुछ दिन पहले ही इस वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। पेज नंबर 96 यहाँ पर जनरल EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है EWS सर्टिफिकेट का, और इसके नीचे OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और इसके नीचे सर्टिफिकेट कैसा होगा वैसे टाइम और डेट के हिसाब से लिखा हुआ है। यह है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म OBC का, और इसके नीचे इससे सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इसके नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म SC सर्टिफिकेट का, इसके नीचे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और ये रहा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ओन स्क्राइब, और इसके नीचे अपेंडिक्स जो 5A 15 एफिडेविट ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड, और इसके नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट स्कीम, और इसके नीचे है MBC सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैंडिडेट फॉर NRI कैंडिडेट जो बाहर से आए उनके लिए, और ये है ओरिजिन एंड OCI कैंडिडेट डॉक्यूमेंट प्रूफ का जो डिटेल्स है वो।